तीन चार घोड़ियां छूट गई उनकी। ओह गड़बड़ हो गया। तो अब नहीं रख रहे भाई साहब घोड़े, घोड़ी शौक खत्म हो गया। नहीं मन मर गया। दोस्तों ये वीडियो देख रहे हो आप गंगानगर मेले का, भाई साहब लेकर आए चार पांच घोड़े घोड़ी। एक बार भाई साहब से बात करते हैं, थोड़ी इन लोगों की जानकारी आप लोगों को देते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी सर, नमस्कार सर। सर पहले आपका थोड़ा नाम बताना। नाम मेरा है चरणजीत सिंह चन्नी भाई। चन्नी भाई कहाँ से आए सर? करणपुर से सर। करणपुर से सर, कब आए थे सर मेले? हाँ जी मेला कब आए थे सर? आज हो गए दो दिन हो गए। दो दिन हो गए। कितने घोड़े घोड़ी लेकर आए सर? है मेरे पास मौके पे छह जानवर है। छह जानवर है तो बेचने के लिए लाए सर? कोई अच्छे दाम देगा तो बेच भी देंगे भैया। नहीं तो मेला घूमने के लिए आए, तो मजा लेके तो चले जाएंगे। चले जाएंगे। आजा बेटा आजा। सर इसकी थोड़ी जानकारी देना ना मेरे को, इस घोड़े की क्या उम्र है इसकी? ये अभी दो दांत हो गया सर। दो दांत हो गया है। बाल बौरी का सांप है? बिल्कुल क्लियर है। क्या हाइट क्या होगी सर इसकी? इसकी होगी 62 इंच। 62 इंच। इसके फादर मदर की डिटेल बताना। बिल्कुल शान का बच्चा है सर। शान का बच्चा है। इसकी मदर? मदर इसकी है रत्नाकर लाइन। रत्नाकर लाइन की। आपके घर का ही है खरीदा? नहीं, सर अपने दोस्त के घर में इसका जन्म होता है। जन्म आपने खरीदा है? हाँ जी सर। तो सर ये दिखाने के लिए लाए या सेल के लिए सर? नहीं दिखाने के लिए। दिखाने के लिए है। बढ़िया घोड़ा सर। इसका क्या नाम क्या है सर? इसका नाम है शान। शान है। देखो दोस्तों ये सर शान घोड़ा, पिछले दो पैर व्हाइट है सर। दो पैर और माथे पे ब्लेज है। पिछले दो पैर व्हाइट है, माथे पे ब्लेज है। तो सर इसका क्या नाम है? है सर? सर इसका इसका क्या नाम है? इसका नाम है रूबी। रूबी है। तो ये सर आपके पास में कैसे आई रूबी? ये मैं लेके आया हूँ खरीद के। इसको खरीद के कहाँ से खरीदा सर इसको? ये सिरसा से लेके आया। सिरसा से लेके आए। ये भी अपने भाई है कमल प्रीत जी उधर। हाँ नमस्कार भाई साहब। बिल्कुल। ये भी आपके साथ में रहते हैं सर? बिल्कुल। ये भी बहुत पुराने ब्रीड रहे, इनके पास है कम से कम 20 सालों 25 सालों से पिछले काम करते आ रहे हैं। अभी इनका नुकसान हो गया दो तीन बार लगातार। क्या हुआ सर? जरूर लेंगे। अभी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, दिन विचार रहे हैं कोई। फिर विचार के बाद में लोग हैं। हाँ जी हाँ जी सर। नुकसान तो वही है, आज एक घोड़ी का भी बहुत मुश्किल हो जाता है नुकसान सहन करना। तो अच्छी अच्छी घोड़ियाँ, आज चार घोड़ी आदमी की निकल जाओ टूट जाओ कैसा भी आदमी। छोटी घोड़ियाँ भाई, भाई साहब की काम नहीं है, कैसा भी आदमी टूट जाओ सर। आज चार चार घोड़ी का नुकसान बहुत मुश्किल है। छोटी घोड़ी नहीं, अच्छी घोड़ियाँ निकल गई। अच्छी घोड़ियाँ निकल गई लास्ट वाली तो। ओहो दिलशान की। कितनी घोड़ियाँ निकल गई सर आज से? तीन घोड़ी। कितने टाइम में? एक साल में। एक डेढ़ साल में तीन घोड़ी निकल गई और अब कोई भी घोड़ी नहीं आपके पास? खैर सर भगवान के आगे किसी की नहीं चले। तो सर इसके बारे में थोड़ी जानकारी सर मेरे को घोड़ियों का। ये तो सर आपके घर पे ही रहती है रूबी? तो हाँ मेरे पास ही रहती है। आपके पास है? घोड़े घोड़े की रखवाली करते हो? घोड़े घोड़ी की रखवाली करती? ये घोड़े घोड़ी की रखवाली करती है सर? फार्म पे रहती है? बच्चे की तरह पला आपने? नहीं इधर आजो 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 बैठो। कोई कोई नहीं कोई नहीं, तो भी कोई बात थोड़ी आप इनकी सपोर्ट करना, वापस घोड़े घोड़ी ले लेंगे। लेके देंगे? दोगे ना? हाँ नहीं नहीं भाई साहब की थोड़ी सपोर्ट करना आप। फुल सपोर्ट है अपनी तो। ठीक है सर। तो सर इसकी थोड़ी डिटेल बताना मेरे को, क्या उम्र है? ये हो गई घोड़ी 8 साल की। 8 साल की। बाल बौरी की सांप है ना? बिल्कुल क्लियर है। स्पॉटलेस है सर? नहीं आँख में है ना? छिपका है। छिपका है आँख में। आँख में भी है, बॉडी में भी, बॉडी में भी है। और इसकी लेंथ बहुत अच्छी है, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है घोड़ी का। क्या हाइट क्या होगी सर? हाइट इसकी 62। 62 है। प्रेग्नेंट है? कितने मंथ की? मैंने दिया नहीं। कितने महीने की प्रेग्नेंट है सर? अभी टेस्ट नहीं हुई, अभी ये कंफर्म नहीं हुई। कंफर्म नहीं हुई है अभी। ये इसने ठान दिया था और बच्ची छूट गई। बच्ची छूट गई? हाँ छूट गई। ये हमें तो छूटना ही, ये लेके बैठ गए यार। मैं चन्नी भाई अकड़ी थी अभी। सर इस घोड़ी की डिटेल बताना ना, क्या उम्र है इसकी? ये सूरज घोड़े की बच्ची है, देव दरबार लाइन की। देव दरबार लाइन की है सूरज घोड़े की बच्ची। क्या उम्र क्या है इसकी? ये अभी हो गई ये 3.5 साल की। 3.5 साल की है। सुबर है खाली अभी? अभी ये इसी घोड़े से रिकवर कराई हुई है। इसी घोड़े से, अपने वाले घोड़े से रिकवर कराई। शान से है। क्या हाइट क्या होगी सर इसकी? इसकी हाँ सर 61 प्लस तो होगी यार। 61 प्लस है। 61 के करीब होगी। बाल बौरी की सांप है? बिल्कुल क्लियर है। तो सर ये सेल के लिए सर? कर देंगे सेल अगर कोई लेगा तो यार। बढ़िया दाम देगा तो कर दोगे? क्या प्राइस क्या मांग रहे हो सर? कुछ बताओगे हिंट के लिए? प्राइस क्या बताएंगे, कुछ नहीं, नंबर दे देंगे उसको सीधा ही बता देंगे। ठीक है ठीक है सर। ये बच्ची अगर आपने इसमें शो कर देंगे ना फिर हाँ लोग परेशान ज्यादा करते हैं। बिल्कुल। तो सर इस बच्ची की डिटेल बताना, क्या उम्र है? बच्ची है राज विराट घोड़े की। राज विराट घोड़े की। क्या उम्र क्या है इस बच्ची की?
ये हो गई 20 दिन की। 20 दिन की बच्ची है। इसके माथे पे फूल है, पट्टा है, पट्टा है, पट्टा है, और तीन पैर सफेद है, माथे पे ब्लेज है। तो सर एक बार आपके नंबर देना तो। पचानवे 495 493 0 0 0 0 0 0 3 3। दोस्तों ये भाई साहब ने अपने नंबर दिए, अगर कोई भाई को ये घोड़ी खरीदनी है या भाई साहब के पास जो घोड़ा है आप अपनी घोड़ी क्रॉस करवाना चाहते हो तो भाई साहब से आप मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हो, या भाई साहब अभी 15 तारीख तक गंगानगर मेले में है, यहाँ आके भी आप लोग भी बिल्कुल यहाँ भैया। क्या फीस है सर? 21,000 रुपया हर आदमी अफोर्ड कर सकता है, कोई फीस ज्यादा नहीं है अपनी। अच्छी लाइन का घोड़ा है, अच्छा घोड़ा है, छान का बच्चा है। 21,000 रुपया दोस्तों फीस है। अगर आप लोग अपनी घोड़ी क्रॉस करवाना चाहते हो तो गंगानगर मेले में 15 तारीख तक ला सकते हो, उसके बाद में भाई साहब से मोबाइल पे कांटेक्ट करके इनके घर पे आप अपनी घोड़ी ले जा सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू सर, बिल्कुल थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है कमल भाई साहब, थैंक यू सर।